एजाज जी, देखिए लगातार बीजेपी अपने जमीनी स्तर को मजबूत करने के लिए फैसले ले रही है, और अब जो आज बड़ा फैसला लिया गया वो ये कि प्रदेश अध्यक्ष पद पर सम्राट चौधरी, जो कभी आपकी पार्टी में ही थे, उन्हें चुन लिया गया है। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपना लीडर नहीं है। वो कहीं ना कहीं आयतित व्यक्तित्व को, आयतित लोगों को अपने यहाँ राजनीति में स्थापित करने का प्रयास कर रही है। इससे पहले भी आपको पता है, संजय जायसवाल जी जो प्रदेश अध्यक्ष थे तो वो राष्ट्रीय जनता दल के ही उपज थे जी। और राष्ट्रीय जनता दल कहीं ना कहीं जो युवा है, युवा नेतृत्व है, उसको मजबूती प्रदान करने का काम करता है। और राष्ट्रीय जनता दल की ये पहचान रही है कि जो यहाँ से निकलते हैं उनको कहीं ना कहीं स्थापित करने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि हम लोग सामाजिक न्याय की धारा को मजबूती प्रदान करते हैं। जो सोच वाले लोग हैं उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ लोगों की सोच बिगड़ जाती है जो वहां पर अपना विचारधारा को गिरवी रखने का काम करते हैं। तो एजाज जी, क्या ये कहा जाए कि आरजेडी से निकले हुए लोगों को बीजेपी एक बड़ी जिम्मेदारी देकर कहीं ना कहीं आरजेडी को कुछ संदेश देना चाहती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आरजेडी से निकले लोगों को बड़ी जिम्मेदारी देकर बीजेपी संदेश देना चाहती है चुनाव के लिए कि अलर्ट हो जाइए? राष्ट्रीय जनता दल से निकले लोगों को स्थापित करना ही इस बात का कहीं ना कहीं द्योतक है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपना सोच वाला लोग नहीं है, अपना नेतृत्व नहीं है। तो ऐसे तो एजाज जी आप कमजोर हुए ना, अगर आरजेडी को छोड़कर कोई आपका कार्यकर्ता या आपका कोई नेता बड़ा चेहरा अगर जाता है, बीजेपी में शामिल हो जाते, तो इससे तो बीजेपी मजबूत हुई और आप कमजोर हो गए। बीजेपी मजबूत कहीं से नहीं हो सकती है, क्योंकि बीजेपी का विचार है नफरत फैलाना, बीजेपी का विचार है समाज को विखंडित करना, बीजेपी का विचार है युवाओं को भटकाव की दिशा में ले जाना, बीजेपी का विचार है महंगाई बढ़ाना, बीजेपी का विचार है समाज में विद्वेष फैला करके अपनी राजनीतिक गोटी सेकना, बीजेपी का विचार है गरीबों और शोषितों वंचितों को उसके अधिकार से वंचित करना, बीजेपी का विचार है जो कमेरे वर्ग है, जो